हिमाचल के मंडी में एक ऐसा खूबसूरत स्थान जिसे शिकारी माता के नाम से जाना जाता है, खूबसूरत दृश्य और अद्भुत रहस्य के साथ जुड़ा है मंदिर। तो चलिए चलते हैं यहाँ की यात्रा पर। आपकी यात्रा की शुरुआत होगी मंडी से, जो कि शिकारी माता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए बस या टैक्सी लेनी होगी, लेकिन ध्यान रहे बस केवल जंजैहरी तक जाती है, उसके बाद आपको टैक्सी ही करनी होगी, जो कि शिकारी माता यात्रा से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपका जो जंजैहली या मंडी से, बल्कि मैं कहूँगा मंडी से लेकर शिकारी माता तक का जो सफ़र है, वो बहुत बहुत सुंदर वन क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो कि कुल्लू वन विभाग के अंतर्गत ही आता है। और ये एरिया जो है वो काफ़ी, अगर मैं तापमान के स्तर पर कहूँ तो मंडी और शिकारी माता के तापमान में काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि अब तक आप एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में आ चुके होते हैं। शिकारी माता मंदिर में प्रशासन ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं की हैं, और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1100 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, और इस दौरान आपको एक अच्छा सा एलिवेशन भी प्राप्त होता है, इसलिए धीरे धीरे ये यात्रा को करें। बहुत अधिक समय आपको नहीं लगने वाला है, यदि आप बहुत फिट हैं तो 15 से 20 मिनट, और यदि आप थोड़े से मोटे हैं या शारीरिक रूप से एक्टिविटी नहीं करते तो आप आधे घंटे के अंदर इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। मंदिर के आसपास जब आप पहुंचते हैं तो आप देखेंगे वहां पर आपके खाने पीने की सुविधाएं निजी स्तर पर और सरकारी स्तर पर दोनों के स्तर पर मौजूद हैं। लेकिन ध्यान रहे इस स्थान पर कभी भी बारिश और हल्की बर्फ गिरने की संभावना बनी रहती है, तो आप तैयार होकर जाएं। जब आप शिकारी देवी मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं ये सामने का मनमोहक दृश्य। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि शिकारी माता मंदिर का जो ये पर्वत शिखर है या जो मंदिर है, ये पूरे मंडी जिले के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ से आप आसपास की, न केवल आसपास की बल्कि बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाओं को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर लाहौल स्पीति और शिमला आदि भी सम्मिलित हैं। चलिए तो मंदिर का इतिहास बताता हूँ। मंदिर पांडवों से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना यहाँ समय कुछ व्यतीत किया और उस समय माता ने उनको दर्शन दिए। इसके अलावा ये स्थान मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि भी माना जाता है। इसके अलावा आपके लिए जो सबसे अधिक रहस्य है इस मंदिर का, आपको जानकर बहुत अधिक अचरज होगा कि इस मंदिर परिसर में सर्दियों के दिनों में 12 से 15 फुट तक बर्फ गिरती है, जबकि जो मंदिर की मेन मूर्ति है या जो हम माता की प्रतिमा कहें, उन प्रतिमाओं पर ना तो कभी बर्फ जमती है और ना ही गिरती है। है ना आश्चर्य की बात कि जहां पूरा मंदिर परिसर 12 से 15 फुट की बर्फ में दब जाता है, मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, उसके बावजूद भी यहां पर माता की प्रतिमाओं पर, माता की छवि पर कभी बर्फ नहीं गिरती। इसके अलावा आप देख रहे होंगे मंदिर की छत भी नहीं है। कई बार इसे बनाने का प्रयास किया गया लेकिन इसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। बाद में इसी को माता की आज्ञा मान प्रशासन ने, लोगों ने इसी को स्वीकार किया और मंदिर की छत को ऐसे ही रहने दिया। अगर आप मंदिर में आ रहे हैं तो मंदिर परिसर में ही मंदिर प्रशासन की ओर से आपके रुकने के लिए बहुत सी सराय, 4 से 5 सराय मैं कह सकता हूँ, जहाँ पर सभी सुख सुविधाओं के साथ आप यहाँ बहुत ही कम दाम में रुक सकते हैं। यहाँ मान्यता है कि आपकी यदि मन्नत पूरी होती है तो आप माता को त्रिशूल भी चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में अगर आप और भी देखें तो लोग बाग, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर अपने लिए माता के भजन, भक्ति गीत आदि के भी आयोजन करते हैं, जिसके लिए आपको ढोलक, चिमटा, मंजीरे आदि मंदिर प्रशासन ही उपलब्ध कराता है। तो मैं तो यहाँ आकर इस जगह का दीवाना हो गया, और बहुत बहुत खूबसूरत यहाँ से दृश्य दिखाई देते हैं, उसके बाद आपका यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेगा। इन भक्तों की तरह आप भी माता की भक्ति में रम जाएंगे।